अब बचपन से बचपन में बोलते थे, जैसे बड़े हुए अब बोलना बंद कर दिया तो बोलना पड़ेगा। जो बच्चा बड़ा होकर बोलना बंद नहीं किया उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, और जिन्होंने बोलना बंद कर दिया अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सपना नहीं रहा। तो बोलना तो पड़ेगा। तो ड्रीम एक्चुअल क्या होना चाहिए? ड्रीम ऐसा होना चाहिए, ड्रीम को सोचते ही आपके बॉडी के अंदर एक रोमांस पैदा कर दे। आपके ड्रीम के बारे में सोचते ही आपका रोंगटे खड़ा हो जाए, आपके ड्रीम के बारे में सोचते ही आप नींद से जग जाओ, एक बॉडी के अंदर ना झनझनाहट पैदा हो जाए ड्रीम के बारे में सोचते ही। ये मेरा ड्रीम है। अगर आपका एक 5 करोड़ का घर होगा तो घर जैसे आप सोचते मेरा एक 5 करोड़ का घर, घर सोचते ही आपको रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। आज के डेट में जो 5 करोड़ का वैल्यू है वो मेरा ड्रीम है, जो मैं पूरा करूंगा वो 10 करोड़ का हो सकता है, वो 15 करोड़ का हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये चीज होना चाहिए, ड्रीम ये होना चाहिए। ड्रीम पर सोचते ही आपका आंख खुल जाए, ये होना चाहिए ड्रीम। इसको बोलते हैं ड्रीम, जो रोमांस पैदा करे आपके अंदर, ये होता है ड्रीम। समझ पाए? ड्रीम कैसे होना चाहिए? जिसके बारे में सोचते ही आपके बॉडी का करंट आ जाए, आप वाइब्रेट करने लग जाओ। जो साउथ इंडियन मूवी नहीं देखे हो, जैसे हीरो ऐसे मारता है तो स्लो मोशन में ऐसे हिल जाता है नहीं मुंडी, उस तरह का सोचते ही आपका मुंडी हिल जाए, ये होना चाहिए ड्रीम। एक लग्जरियस कार का कीमत आज के डेट में 70 लाख सोचा है, ठीक है, 70 लाख का कार के बारे में जो सोचते हो, चाहे BMW का है, चाहे ऑडी का हो, चाहे मर्सिडीज का हो, चाहे जगुआर का, जो सोचते हो ऑडी का 70 लाख का मेरा ड्रीम है, तो 70 लाख कार सोचते ही आपके अंदर क्या हो जाना चाहिए? करंट आ जाए, आप चेयर से 2 फीट उछल जाए ड्रीम के बारे में सोचते ही। ये होता है ड्रीम, जो आपके मन में आपके बॉडी में रोमांस पैदा करे। कुछ भी हो जाए इसको मुझे पाना है, इसको मुझे पाना है, पाना है, इसको मुझे पाना है, पाना है, इसको मुझे पाना है। जो भी आपने ड्रीम बताया या नहीं बता पाया, 2 लाख हफ्ते का चाहिए, करोड़ का घर चाहिए, ये सारे चीज यहां पर हो सकता है। ये सारे चीज जहां पर आप बैठे हो, सेप्सअप में बैठे हो, सेप्सअप ट्रेनिंग में बैठे हो, सेप्सअप के द्वारा आपके द्वारा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अचीव कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर की बात नहीं करते, सक्सेसफुली 19 साल से चली आ रही है, 19 साल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आप जो ड्रीम सोच रहे हो ड्रीम को पूरा कर चुके हैं, उनका ड्रीम इससे कहीं बड़ा हो चुका है। तो वो एक इंसान है, तो आप भी तो एक इंसान हो। जो ईश्वर कर सकता है कि इंसान शायद नहीं कर सकता है, मगर एक जो दूसरा इंसान कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, क्यों? मैं भी एक इंसान हूं। तो कि दूसरा इंसान अगर डायमंड बन सकता है मैं भी डायमंड बन सकता हूं, दूसरा इंसान ऑडी कार खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूं, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म आपको मिला, सेम प्लेटफॉर्म आपको मिला। तो ठीक भी बड़ा चीज सोचो तो ड्रीम कैसा होना चाहिए? बड़ा, जिसको सोचते ही आपका नींद गायब हो जाए, आपके अंदर 440 का वोल्ट आ जाए, नहीं तो रोमांच पैदा कर दे, आप खुशी से उछल जाओ ड्रीम के बारे में सोचते ही। कभी आप बहुत सैड हो, बहुत दुखी हो, ड्रीम के बारे में सोचते ही हंसने लग जाओ, जैसे मुरझाया हुआ फूल होता है ना, खिल जाता है, हाँ ठीक उसी तरह का ड्रीम के बारे में सोचते ही जिंदा हो जाना, कुर्सी से 2 फीट उछल जाना, ऐसे ड्रीम होना चाहिए, राइट? तो ये होता है ड्रीम, ये होता है ड्रीम। वो ड्रीम आपको जिंदा रखेगा, कब तक जिंदा रखेगा? जिंदगी भर। उसको पाने के बाद ड्रीम और आपका बड़ा हो जाएगा, वो ड्रीम भी हमें जिंदा रखता है, ड्रीम ही हमें जिंदा जिंदा रखता है, ड्रीम ही हमें जिंदा जिंदा रखता है, वो ड्रीम भी आपको सेप्सअप में जिंदा रखेगा,
आपको सेफसॉप में जब भी आपको मन करेगा मैं छोड़ के जाऊं वो ड्रीम आपको बांध करके नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम जाओगे तो तुम्हारा ड्रीम पूरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मेरा माइंड भी बहुत बार अप एंड डाउन हुआ है। मेरा माइंड जब डाउन होता था तो मैं सोचता था अगर मैं सबसे पहले कामयाब नहीं होऊंगा तो मेरा जो बड़े बड़े ड्रीम है ना वो पूरा नहीं होगा, पूरा जो नहीं होगा सोचता था ना मुझे फिर डर लगने लग जाता था, फिर नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा सपना पूरा करना है, सपना पूरा करना है, वो ड्रीम को पूरा करना है। तो ड्रीम आपको जिंदा रखेगी, वो ड्रीम आपको जिंदा रखेगी। ड्रीम तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए, तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए। तो ड्रीम आपको जो बचपन में देखा करते थे, जो ड्रीम आपका सो गया ना उस ड्रीम को दोबारा जगाना है, ड्रीम आपको दोबारा जगाना है, इस तरह का ड्रीम होना चाहिए जो ड्रीम आपको जिंदा रखने के लिए मजबूर कर दे, आपको खुश होने के लिए मजबूर कर दे। किसी भी सिचुएशन में आप रो रहे हो और ड्रीम याद आ जाए तो आपको रोना बंद होकर हंसी आ जाए। कोई बंदा अगर सुसाइड करने के लिए जा रहा है और ड्रीम याद आ जाए तो वापस आ जाए, वो बंदा वापस फिर आ जाए, वो होता है ड्रीम, वो होता है ड्रीम। और हम फॉर्चुनेट हैं, हम जो भी ड्रीम हम देखे हैं वो ड्रीम पूरा हो सकता है, क्यों लोगों ने पूरा किया है, लोगों ने पूरा किया है और सेम प्लेटफॉर्म में हम है, लोगों ने सेप्सो में पूरा किया, हम सेप्सो में है, हम भी सेप्सो में पूरा राइट। तो ड्रीम को कैसे पूरा करेंगे? ड्रीम को हम गोल में कन्वर्ट करना होगा, ड्रीम को हम गोल में कन्वर्ट करना होगा। तो ड्रीम को पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रीम को अचीव करने के लिए ये सब ड्रीम है जो आपने बताया जो रोमांस पैदा कर दे, ये एक लग्जरियस गाड़ी है, मर्सिडीज का है, 70-80 लाख किलो का गाड़ी हो सकता है, इस तरह का गाड़ी वाला सोचते ही हम क्या है 2 फीट उड़ जाते हैं, ये गाड़ी मेरे पास एक दिन होगा नहीं, कितना सुंदर सा बंगलो है, कितना करोड़ का नहीं, जो इसके हमने सोचते हैं हम किराए का मकान में है, मान लो कोई बहुत सारे लोग किराए का मकान में है, जो इस बार में सोचते हैं ना एक रोमांस पैदा कर रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, एक दिन मेरा इस तरह का घर होगा। और ढेर सारे बैंक बैलेंस, कितना करोड़ का बैंक बैलेंस, अभी चाहे बैंक बैलेंस 0 मेरा 10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, कितना करोड़ का 10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, सोचो ऐसा लगेगा। अब विदेश घूमना है, विदेश घूमना है और आने वाले टाइम में मैं जो भी ट्रेवल करूंगा एरोप्लेन से करूंगा, आज जो मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूं, आज जो मुश्किल से ट्रेवल कर रहा हूं, आने वाले टाइम में क्या मैं एरोप्लेन में ट्रेवल करूंगा, तो जो एरोप्लेन में मैं ट्रेवल करूंगा तो ये सुन के ये सोच के मन में आते ही आपका रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। ये होता है ड्रीम, ये होता है ड्रीम ठीक है। तो इस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? गोल में कन्वर्ट करना है, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। गोल क्या है? गोल क्या है? गोल जिसमें एक डेट डाल दी जाए, ये इतने टाइम तक मुझे इसको पूरा करना है। सपने के साथ अगर आपने टाइम डाल दिया तो वो हो गया आपका गोल। आपने बोला कि मेरा ड्रीम है कि आज के डेट में जो 2.5 करोड़ का घर है वो मेरा ड्रीम है, 2.5 करोड़ के घर के साथ आपने डेट डाल दिया, आज से 5 साल बाद 7 साल के बाद या 10 साल में मुझे 2.5 करोड़ का घर लेना है, आज से 5 साल के बाद मुझे 2.5 करोड़ का घर लेना है, आपने डेट डाल दिया इतने तारीख तक मुझे 5 करोड़ का घर लेना है, तो हो गया आपका गोल। अब ऑडी कार, भले आपके पास अब कार नहीं है, भले आपके पास कार नहीं हो फिर आप डाल दिया 70 लाख का कार मुझे इतने तारीख तक लेना है, तो आपका हो गया गोल। इस डेट तक मेरा बैंक अकाउंट में इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतने करोड़ का बैंक बैलेंस हो जाए इस डेट तक, ये हो गया आपका गोल। ठीक है, गोल क्या है? जो ड्रीम के साथ जो डेट डालोगे तब होगा गोल। बहुत सारे लोगों का ड्रीम क्यों पूरा नहीं होता है?
क्योंकि गोल में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, मुझे सिर्फ सपना देखते हैं, सिर्फ सपना देखते हैं, मुझे बनना है बनना है बनना है बनना है बनना है। गोल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। मैं कितने बार बोला हूं, एक बार बोलू, 18-19-20 साल का लड़का कोई है, खूबसूरत सा हैंडसम सा कोई है, ये है लड़का है, और 18-20-25 साल का है, बैचलर है बहुत सारे। तो एक 18 साल का व्यक्ति तुम्हारे उम्र का, तुम्हारे तरह खूबसूरत का हैंडसम सा सोचा कि मेरा ड्रीम है कि मेरे जो पाँव ना एक बड़ी गाड़ी के ऊपर रहे। किसके ऊपर रहे? बड़ी गाड़ी के ऊपर रहे। मेरे हाथ में हमेशा नोटों का भरा हुआ बैग है, कि नोट मुझे बहुत पसंद है, पैसा मुझे पसंद है, और 18 साल का हूँ, खूबसूरत हूँ, तो मेरे चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां हूँ। 10 साल के बाद उसका सपना पूरा हो जाता है, जो 28 साल का हो जाता है, वो बन जाता है लेडीज डीटीसी बस का कंडक्टर। पांव के नीचे बड़ी गाड़ी है डीटीसी बस, हाथ में 10-20 रुपए का नोट भरा हुआ बैग, और चारों तरफ महिला है। ऐसा क्यों हुआ? सपना तो पूरा हुआ, क्यों हुआ? गोल में कन्वर्ट नहीं करा, स्पेसिफिक नहीं था कितना अमाउंट, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आपने बोला कि बेहतर लाइफ चाहिए, तो बेहतर लाइफ कैसे डिफाइन करोगे? वो भी तो सोचा ना, बड़ी गाड़ी है तो डिफाइन करना चाहिए था, ऑडी कार के ऊपर मेरा पावर आए या BMW कार के, समझ में आया? तो डिफाइन करना होगा। और नोटों का भरा हुआ बैग, ढेर सारे पैसा, ये नहीं हुआ, स्पेसिफिक नहीं हुआ। हमेशा मेरे हाथ में बैग हो जिसमें हमेशा 5-10 लाख रहे, हमेशा मैं हमेशा बैग लेके साथ में चलू जिसे 5-10 लाख हमेशा, कम से कम 5 लाख रुपया पड़ा। तो उन्होंने क्या सोचा? पैसा नोट से भरा हुआ है, तो समझ में आया ना? डेढ़ के साथ साथ आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। जो चीज पाना चाहते हो वो क्या है? कार चाहते हो तो कार क्या है, कौन सा कार है, कौन सा मॉडल है? घर चाहते हो तो आज के डेट में कितने कीमत का है, और कौन से एरिया में? अगर दिल्ली के अंदर चाहते हो, अपने होम टाउन में चाहते हो, कौन से एरिया में? राइट, ढेर सारे पैसा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत बेहतर लाइफ, बेहतर लाइफ को डिफाइन नहीं कर पाओगे। वो लड़का भी तो बेहतर ड्रीम देखा था ना, तो समझ पाया ना? ड्रीम क्या होना चाहिए? एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसके साथ डेट डाल दोगे तो वो हो जाएगा गोल, वो हो जाएगा गोल, वो हो जाएगा गोल। ये हो गया। तो गोल को हम फिर टुकड़ा करते हैं, फिर गोल को हम टुकड़ा करते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। क्योंकि आपने जो ड्रीम आपने देखा, जो ड्रीम आपके अंदर एक रोमांच पैदा कर दे, वो लॉन्ग टर्म है, वो कम पर से पूरा होने वाला है नहीं, वो 2-3 महीने में, 1 साल के अंदर पूरा होने वाला नहीं है। जिस ड्रीम को सोचते ही आप 2 फीट उछल जाओ, आपके रोंगटे खड़ा हो जाए, वो तो 2-3 महीने में तो होने वाला नहीं है ना, उसके लिए टाइम लगेगा, कुछ साल लगेगा। तो जो बड़ा ड्रीम होता है जो कुछ साल लगेगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। तो ड्रीम को 3 में डिवाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म ये आ सकता है आपका जो अपने 2.5 करोड़ का, 5 करोड़ का बंगलों घर, इस तरह का नहीं, इसके लिए कुछ साल लगेगा, 7-10 साल 5 साल लगेगा। yes. और ये मर्सिडीज कार है, BMW कार है, उसके लिए आज 1-6 महीने में तो आएगा नहीं, कुछ साल लगेगा। तो आपने यह डिसाइड किया कि मुझे 5 साल के अंदर एक कार में आना है, मुझे 7 साल के अंदर इस तरह का 2.5 करोड़ का घर में आना है, 5 करोड़ के घर में आना है। तो हो गया लॉन्ग टर्म, 5 साल में, 7 साल में, 6 साल में, 4 साल में, 10 साल में, राइट, ये हो गया लॉन्ग टर्म। और फिर मिड टर्म में आते हैं। मिड टर्म में एक स्टैंडर्ड कार है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख 4 लाख 3 लाख, कुछ महीने में, कुछ साल में हम कर लें मिड टर्म, 1-2 साल में जो कर लेंगे वो हो गया मिड टर्म। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आप बाइक, हमारे बिजनेस के लिए मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्टफोन है, उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। एक लैपटॉप जरूरी होता है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, कुछ वीडियो दिखाने के लिए, और बाइक जरूरी है,
बाइक या स्कूटी, क्योंकि हम कैसे जाएंगे टाइम को बचाने के लिए। ये हो गया सट्टा, कुछ महीने के अंदर लेना है, कुछ महीने के अंदर लेना है। कोई लैपटॉप और बाइक के ऊपर कोई गोल डिसाइड किया है किसी व्यक्ति ने, इतने सारे लोग बैठे जिसके पास नहीं है, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, हाँ क्या लेना है, कब लेना है? अप्रैल फर्स्ट वीक में क्या लेना है? बाइक सर, बाइक, मोबाइल, बाइक लेना है। तो बाइक के ऊपर स्पेसिफिक क्या है, कौन सा बाइक, कौन सा मॉडल, कितने रुपए? देख भी आप आ गया, तो कौन सा बाइक लेना है आपको? सर टीवीएस की रेलियन। अच्छा, जिसमें माइलेज दे थोड़ा सा, वर्किंग में माइलेज, शुरुआत में हमें चाहिए ऐसा बाइक जिसमें हम माइलेज दे। ये हो गया सेप्टर, अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है। और कोई व्यक्ति कुछ इस तरह का? फर्स्ट मई को क्या लेनी है? अपाची बाइक लेना है। इससे पहले कोई बाइक आपके पास है? आप सेप्सा में डायमंड बनना चाहते हैं? एक राय दूंगा, अभी आपको ज्यादा माइलेज वाला अभी लीजिए स्टार्टिंग में, फिर अपाची ने अपाची के बाप भी आप खरीदेंगे आने वाले टाइम में, हेले डेविडसन का बाप भी खरीदेंगे आप। अभी आप माइलेज वाला लीजिए जिसमें आपका टाइम बचे और पैसा ही बचे, ठीक है। चलो, फिर भी उन्होंने सोचा है। और कोई, ये हो गया सट्टा, ये हो गया हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और लोग क्या बोलेंगे, सर चेक आने दो ना, चेक आएगा तो बना लेंगे। मतलब आपने डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया कैसे, आपने 4 साल पढ़ाई किया, आपने डॉक्टर बन गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप बोलते हो मैं थर्मामीटर भी खरीदूंगा जो पेशेंट आके पैसा देगा, जो बीपी चेक करने का जो होता है ना पंप पंप वाला, वो भी पेशेंट पैसा देगा तो भी मैं खरीदूंगा। और ये जो ये भी पेशेंट पैसा देके जाएगा तो पैसा होगा तो खरीदूंगा, तो एक भी पेशेंट आपके पास आएंगे? क्योंकि आपने तो बहुत सारा पैसा खर्चा किया ना 4 साल पढ़ाई में, 5 साल पढ़ाई में, तो फिर भी ये जरूरी है। तो ये अगर सोचोगे मैं होऊंगा तो करूंगा, तो ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा राय है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, शॉर्ट टर्म जो गोल है इसके लिए आप डॉक्टर के लिए जैसे थर्मामीटर बीपी चेक करना मशीन उसी तरह का हमारे लिए, राइट। फिर भी आप बोलते हो कि मैं सैमसंग के पैसे से खरीदूंगा, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। एक होता है ना 99% में पास होना, एक होता है 60% में पास होना, एक होता है 45% भी आप, तो ये भी ठीक है। आपने अगर ज्वाइन किया और ये जरूरी समझ के ले लिया तो आपने 99% में पास किया। अब बोलते हैं सेप्स के पैसा से कमा के लूंगा, फिर भी आपने पास किया 45% पास तो किया, आपने स्टूडेंट हो, फिर भी आप ठीक बोल रहे हो, बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी आप ठीक बोल रहे हो, फिर भी आप ठीक बोल रहे हो। तो उसके लिए कैसे करना है, अगर बाइक लेना है आपको, ये देना है लोन में लेना है, पूरा कैश में लेना है, बाइक लेना है लोन में लेना है कि कैश में लेना है? अगर आपको लोन में लेना है, आपको 20,000 रुपए डाउन पेमेंट करना है, बाकी का 40-50,000 लोन में लेना है, तो 20,000 के लिए आपको कितने ज्वाइनिंग में 20,000 आएगा? 40 ज्वाइनिंग, 20 पेयर में। अगर आप दोनों साइड काम कर रहे हो तो 40 का टीम सेट होना चाहिए, और एक साइड काम कर रहे हो आपके वीकर साइड पे 20 लोग की ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो आपने अगर सैमसंग के पैसे से बाइक लेना है तो आपको आज गोल डिसाइड करना है, डेट डालना है, मुझे बाइक कब तक लेना है, और उसके लिए इतना पैसा चाहिए मुझे सैमसंग से निकालना है, तो इतना टीम साइज आपको बनाना है, इतना का टीम साइज आपको बनाना है, तब जाके आपका 20,000 आ गया इस डेट तक अपनी बाइक। तो आपने सोचा आज से ठीक एक महीने के बाद, या आपने सोचा आज से ठीक एक महीने के बाद मुझे बाइक लेना है, आपका एक तरफ काम हो रहा है, दूसरी तरफ भी काम हो रहा है, मतलब 20 से ज्यादा बैलेंस है, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, तो आपको वीकर साइड में 20 सेलिंग चाहिए, 20 सेल चाहिए, तो 20 सेल के लिए आपको क्या करना है, एक महीने के अंदर 4 हफ्ते के अंदर आपको 20 सेल करना है, तो हफ्ते का टारगेट क्या हो गया 5, तो ये आपका हो गया टारगेट, तभी जाके आपका बाइक का जो गोल है उसको फुलफिल करो, जो ड्रीम है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे, क्लियर है। उसी तरह का आपको कार चाहिए, कौन से डेट तक चाहिए, कितने लाख का है, कितना अगर डाउन पेमेंट करेंगे कि पूरा कैश करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो इतना फॉर एग्जांपल आपको एक कार लेना है, 5 लाख का कार लेना है, उसमें आपको 1.5 लाख डाउन पेमेंट करना है, कितना करना है, और बाकी लोन में ले लेना, आपने ये सोचा है, ठीक है, ठीक है।
तो 1.5 लाख के लिए आपको कितने टीम साइज होना चाहिए? कम से कम 300 150 लेफ्ट 150 राइट में। तो अगर आपने डेट डिसाइड किया आज से, ठीक मैं अगले साल इसी डेट को 28 मार्च को मुझे लेना है, एक साल अंदर मुझे कार लेना है और सेप्सो के पैसे से लेना है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं, जो आएगा घर का खर्चा तो मेरा निकल रहा है, मैं इसी पैसे को सेविंग कर लूंगा। तो कितना आपको टीम बनाना है? और ये छोटा ड्रीम हुआ। अब एक साल के अंदर इससे बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं, आप एक साल के अंदर इससे कहीं बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं। एक साल के अंदर आप ये सोचा कि मैं 5 लाख रुपया पूरा कैश पेमेंट करके कार लेना है, तो एक साल के अंदर आपको कितना टीम बनाना है? 1000 लोगों का टीम। ये बहुत बढ़िया टारगेट है, ये बहुत बढ़िया टारगेट है। जो एक साल के अंदर मैं पूरा 5 लाख कैश पेमेंट करके कार लेना है, छोटा सा कार लेना है जिसका कीमत है 5 लाख का है, और मुझे एक साल के अंदर पूरा सैमसंग के पैसे। तो एक साल के अंदर आप टीम कितना बनाना है? कम से कम 1000 लोगों की बनाना है, राइट? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये हो गया 70 गोल। आप जो गोल डिसाइड किया, जो डेट डिसाइड किया, सिर्फ हवा में डिसाइड करोगे तो फिर नहीं होगा। उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कितना मुझे टीम साइज बनाना है, कितना सेल करना है, तभी जाके काम करने में मजा आएगा, तभी जाके काम करने में मजा आएगा। बहन की डेट की शादी पक्की हो जाती है 2 महीने पहले, 1.5 लाख का खर्चा आएगा, सारे खर्चा शादी में देना भी है और सबको मिला है। तो फिर 2 महीने से हम क्या करते हैं? पूरा मेहनत करते हैं, भागते हैं, पैसा जुगाड़ करते हैं, हो जाता है फिर शादी ठीक टाइम में, क्यों हो जाता है? डेट फाइनल हो गया, बहन को तो शादी करना है नहीं। ठीक उसी तरह का जब आपने डेट डिसाइड कर दिया, उसी डेट के अंदर आपको इतना टीम साइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो करोगे कैसे? आपने डिसाइड किया सेफ सब के प्रोसेस करना है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में और चीज मैंने ऐड किया, शॉर्ट टर्म में मैंने 3 चीजें ऐड किया है।